हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू D4 ट्यूटोरियल। दोस्तों, क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आप परेशान हैं कि आपको तैयारी कहां से करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। मैं कुछ प्रूफ्स के साथ आया हूं, मैं कुछ फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के MCQs हैं वो कौन सी बुक और वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ से ये MCQs तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बायोलॉजी रिपीटेड MCQs बाय D4 ट्यूटोरियल। जी हाँ दोस्तों, ये वो बुक है जिससे अमूमन देखा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में MCQs आए हुए होते हैं। अक्सर लोग मुझसे मेरी वेबसाइट पर कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या ये मेरा किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ क्या लिंक है, कि जब भी कोई पेपर बनते हैं तो उसमें से अक्सर जो MCQs होते हैं वो T4 ट्यूटोरियल वेबसाइट से ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये महज एक इतफाक़ है कि जो MCQs आते हैं पेपर्स में वो अमूमन T4 ट्यूटोरियल पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हाँ, शायद इसकी एक वजह यह है कि जो T4 ट्यूटोरियल्स के MCQs हैं वो गूगल पर हाईली रैंक्ड हैं, ना सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इससे MCQs तैयार किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बुक है ये फ्रीली अवेलेबल है PDF में। आप ये जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ से जाकर आप इस बुक को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे कोई पैसे मैं चार्ज नहीं कर रहा, आप फ्रीली जाएँ, इस बुक को डाउनलोड करें और इस बुक से MCQs तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि MCQs जो हैं वो अमूमन T4 ट्यूटोरियल से लिए जाते हैं। ये देखें, हम गूगल पर आए और गूगल पर आकर हम सर्च करते हैं कि MCQs ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, अब हमने सर्च किया तो यहाँ पर ये देखें जो पहला top 1 रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपको T4 ट्यूटोरियल्स नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये वो वजह है जिसकी वजह से अमूमन जो पेपर में क्वेश्चन है वो T4 ट्यूटोरियल्स से आते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जो डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट सेक्टर्स के पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वहाँ पर जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी अपनी राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसे ही होते हैं, लेकिन होता ही है कि जो मेरा ख्याल है वो ये है कि कोई भी प्रोफेसर जो आपका पेपर है वो खुद टाइप कर करके नहीं बनाता, बल्कि वो इसी तरीके से जब उन्होंने MCQs बनाने होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के MCQs बनाने हैं तो इसी तरीके से गूगल पे सर्च करते होंगे और जो वेबसाइट उनके सामने आती होगी उसी वेबसाइट से वो एक एक दो दो करके MCQs उठाते होंगे और पेपर में डालते होंगे। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह है कि जो MCQs हैं वो अमूमन T4 ट्यूटोरियल से आते हैं, ये महज एक इतफाक है। इसके अलावा आप आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब हम एक और कीवर्ड सर्च करते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी MCQ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर भी जो पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है वो T4 ट्यूटोरियल्स ही नज़र आ रही है। चलें आगे मूव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम एक और कीवर्ड सर्च करते हैं, फंक्शनल जीनोमिक्स MCQ। अब यहाँ पर अगर हम सर्च करें तो यहाँ पर भी हम देखें तो हमें जो T4 ट्यूटोरियल्स है वो गूगल पर बिल्कुल हाईली रैंक नज़र आ रही है, और यही वो वजह है कि पूरी दुनिया में जब भी MCQs तैयार किए जाते हैं तो अमूमन जो MCQs होते हैं वो T4 ट्यूटोरियल्स के साथ मैच कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और कीवर्ड यहाँ पर सर्च करते हैं, MCQs ऑफ बायोएथिक्स एंड बायोसेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके भी जो MCQs हैं वो फर्स्ट नंबर पर जो आ रहे हैं वो T4 ट्यूटोरियल्स के ही आ रहे हैं। एक और कीवर्ड सर्च करके देखते हैं, ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट MCQs। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो top 2 वेबसाइट्स हैं उनमें जो T4 ट्यूटोरियल्स है वो उससे फहरिस्त आ रही है। एक और कीवर्ड सर्च करके देखते हैं, यहाँ पर हम एक और कीवर्ड लिखते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी MCQs, और हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको जो T4 ट्यूटोरियल्स है वो आपको सरे फहरिस्त नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, पहले top 3 रिकॉर्ड्स में T4 ट्यूटोरियल्स आ रही है। इसी तरीके से मैं आपको एक और कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ, ये देखें एक और कीवर्ड हम सर्च करते हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी MCQs। अब सिंथेटिक बायोलॉजी MCQs भी अगर हम देखें तो ये देखें जो टॉप की वेबसाइट्स हैं उनमें T4 ट्यूटोरियल सरे फहरिस्त आ रही है। अब एक और कीवर्ड सर्च करते हैं, अब हम सर्च करते हैं मॉलिक्यूलर फिलोजेनी एंड एवोल्यूशन MCQs। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें जो T4 ट्यूटोरियल्स.com है वो सरे फहरिस्त नज़र आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह के और भी कई कीवर्ड्स हैं जो अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कि अगर आपने अच्छे तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है
और आप ट्रेडिशनल बुक से तैयारी कर रहे हैं कि आप किसी बुक स्टोर से कोई बुक ले आए हैं फलानी फलानी कंपनी की, और आप ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ उनसे तैयारी करके पास हो जाएंगे, तो दोस्तों इस वहम में आपने नहीं रहना। आपने T4 ट्यूटोरियल की बुक से भी ज़रूर तैयारी करनी है, और भी काफ़ी लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। फ्री वाली बुक है, मैं कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं कर रहा। T4 ट्यूटोरियल्स वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर डाउनलोड बुक में जाकर इस बुक को डाउनलोड करें, PDF में ये आपके पास आएगी, इससे तैयारी करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर पास होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और मज़ीद अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।